Good morning, dear students. Welcome to our Maths online class. Today, we are going to learn about the formation of greatest and smallest two-digit numbers. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़ा और छोटा नंबर टू डिजिट के साथ कैसे बनाना है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है 35. फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है वो है नंबर 35. और 35 नंबर में बड़ा नंबर है 5 और छोटा नंबर है 3. 35 नंबर में जो बड़ा नंबर है वो है 5 और छोटा नंबर जो है 3. तो पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो इसलिए हम पहले छोटा नंबर राइट करेंगे जो टेंस के कॉलम में आएगा. तो 35 नंबर में छोटा नंबर 3 होने के कारण हमने 3 को टेंस के कॉलम में लिखा है, क्योंकि हमें अभी छोटा नंबर बनाना है. स्मॉलेस्ट नंबर वी वांट टू मेक ना, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 3 इन अ टेंस कॉलम एंड 5 इज रिटन इन अ वंस कॉलम. सो 3 tens plus 5 ones is equal to 35. So we write down here number 35. ये हो गया हमारा smallest number. अब हम बनाएंगे greatest number. Greatest number 35 में कौन सा है greater number? 5. Correct. तो पहले हम 5 को tens column में लिखेंगे और जो छोटा number है 3 उसको हम वंस के कॉलम में लिखेंगे. तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, मींस 5 टेंस प्लस 3 वंस इज इक्वल टू 53. अब हमें टू डिजिट के दो नंबर मिल गए, जो है एक स्मॉलेस्ट नंबर और जो एक है ग्रेटेस्ट नंबर. तो 53 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 35 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. Understood? So, next example number 2. Example 2 में हमें 7 number दिया है and 0 number दिया है. तो जब हम smallest number बनाएंगे, तब हमें जो छोटा number है, उसको tens के column में लिखना है और जो बड़ा number है, उसको हम ones के column में लिखेंगे. अभी 0 और 7 number से हम smallest number बनाएंगे, तो पहले 0 को हम tens के column में लिखेंगे और 7 को वंस के कॉलम में लिखेंगे. अंडरस्टूड? सो ये नंबर बन जाएगा 0 टेंस प्लस 7 वंस. अभी यहां पे 0 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती है, 0 मींस नथिंग. तो ये नंबर आएगा ओनली 7, बिकॉज 7 वंस इज इक्वल टू 7. अंडरस्टूड? सो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया है जो है 7 ओनली. अभी हम यही नंबर लेके 0 एंड 7 लेके हम बड़ा नंबर बनाएंगे, जिसमें हम जो बड़ा नंबर है वो हम टेंस के कॉलम में लिखेंगे और जो छोटा नंबर है वो हम वंस के कॉलम में लिखेंगे. तो 7 एंड 0 हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, जैसे कि 7 टेंस एंड 0 वंस. सो 7 टेंस प्लस 0 वंस equal to 70. Okay? 7 tens and 0 ones is equal to 70. तो अभी आपको ये बताना है 7 बड़ा या 70? Correct. 70 is the greater than 7 number. Understood? Let's start exercise 3.6. इस एक्सरसाइज में आपको टू डिजिट्स के नंबर दिए हैं और वो डिजिट्स को लेके आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर राइट करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट नंबर इज गिवन 3 एंड 4. ओके, तो 3 एंड 4 को लेके आपको पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो पहले आपको ग्रेटर नंबर टेंस के कॉलम में लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर वंस के कॉलम में लिखना है. तो 3 एंड 4 में ग्रेटर नंबर है 4, तो पहले हम लिखेंगे नंबर 4 एंड देन आफ्टर दैट राइट डाउन नंबर 3. अंडरस्टूड? उसके बाद हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम पहले छोटा नंबर राइट करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा नंबर राइट करेंगे. नाउ इन 3 एंड 4 में छोटा
और उसके बाद 4 को लिखेंगे। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल गया 43 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 34। ओके, आफ्टर दैट 5 and 9 में ग्रेटर नंबर है 9, तो पहले हम ग्रेटर नंबर राइट करेंगे बिकॉज वी आर राइटिंग इन ग्रेटेस्ट नंबर कॉलम एंड 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसके बाद हम 5 लिखेंगे। तो हमारा ग्रेटर नंबर हमें मिल गया है 95। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर राइट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में मैंने आपको पहले ही बताया है आपको पहले छोटा नंबर राइट करना है जो कि है नंबर 5। फिर उसके बाद बड़ा नंबर हम राइट करेंगे जो है हमारा 9। सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया 59। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 and 8 में हमारा ग्रेटर नंबर है 8 एंड स्मॉलेस्ट नंबर है 3। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल गया है जो है 83। अब हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में हमें याद रखना है पहले हम स्मॉल नंबर राइट करेंगे फिर उसके बाद बिगर नंबर। तो स्मॉल नंबर है 3 एंड देन 8 इज द ग्रेटर दैन 3। सो आवर नंबर इज 38। अंडरस्टूड? देन 4 and 2। तो 4 हमारा ग्रेटर नंबर है तो हम उसको पहले लिखेंगे एंड 2 इज स्मॉल नंबर सो आफ्टर दैट वी हैव राइट 2। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 42। अंडरस्टूड? देन स्मॉलेस्ट नंबर है, पहले हम स्मॉल नंबर लिखेंगे तो पहले हम 2 को राइट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी हैव राइट 4। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया है जो है 24। देन 6 and 5 इज गिवन, तो 6 and 5 में 6 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर सो वी हैव राइट हियर 6 एंड आफ्टर दैट 5। सो आवर ग्रेटेस्ट नंबर इज 65 एंड देन स्मॉलेस्ट नंबर इज First we have write small number and after that great number. So 56. Understood? Our smallest number is 56. Then 0 and 3. मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हम 0 को tens के कॉलम में लिखेंगे तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन 0 को जब हम ones के कॉलम में लिखेंगे तो 0 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चलो अभी आपने हमें 2 नंबर दिए हैं जो कि 0 है और दूसरा नंबर है 3। तो जब हम ग्रेटर नंबर बनाएंगे तो पहले हम बड़ा नंबर राइट करेंगे। तो बड़ा नंबर है हमारा 3 एंड छोटा नंबर है 0। सो राइट डाउन हियर 0। सो हमारा ग्रेटर नंबर हमें मिल गया जो कि है 30। 3 tens and 0 ones means 30। अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय पहले छोटा नंबर लिखना है और उसके बाद बड़ा नंबर। जैसे कि हमारा टेंस के कॉलम में आएगा 0 एंड 3 के कॉलम पर के कॉलम में जाएगा 3। तो हमारा नंबर बन गया ओनली 3। 3 वंस 0 टेंस एंड 3 वंस इज इक्वल टू ओनली 3। देन नेक्स्ट इज 82। सो 8 and 2, 8 टेंस एंड 2 वंस इज इक्वल टू 82। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 2 times and 8 ones is equal to 28. Understood? इसके आगे